हेलो गाइस, मेरा नाम विनय और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह के रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो अभी के समय में ये वाला रील इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है गाइस। तो आप लोग भी कुछ इस तरह के रील्स क्रिएट करना चाहते हो और किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम VN एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं, तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपके में एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। VN एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस मैं नीचे की ओर जो प्लस वाले आइकन दिखाई दे रहा है इस पर मैं क्लिक कर लेना है और यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसका हम रील्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड किए हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस हमें नीचे की ओर जो एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा वीडियो एड हो जाएगा। तो गाइस, एड हो जाने के बाद हमें यहाँ लास्ट में चले जाना है और यहाँ हमें जो ब्लैक कलर का वाटर मार्क दिखाई दे रहा है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेना है। उसके बाद गाइस, इस वीडियो में ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है तो इसके म्यूजिक को मैं यहाँ से म्यूट कर लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आप अपने वीडियो के साइज को देख लेना। अगर आपका वीडियो फुल स्क्रीन ना हो तो उसके लिए गाइस हमें यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें टिकटॉक वाले रिशो को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसमें हमें अब म्यूजिक ऐड करना है। तो उसके लिए गाइस हमें यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाकर हमें यहाँ से म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस हमें म्यूजिक बीट्स में चले जाना है और बीट को मार्क कर लेना है। तो गाइस, बीट को मार्क करने के लिए हमें जो फ्लैग दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा बीट ऐड होते जाएगा। तो गाइस, मैं बीट को ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ, आप यहाँ से देख ही सकते हो। तो हमारा बीट कितने कितने सेकेंड पर मार्क हुआ है मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख लेना और बीट को मार्क कर लेना। तो गाइस, बीट मार्क हो जाने के बाद इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है और इसको भी हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हम जहाँ जहाँ पे भी म्यूजिक बीट को मार्क किया हमें वहाँ पे क्लिक करते जाना है और वहाँ पे जाकर हमें वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो मैं ऐसे ही सब में कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। और गाइस, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टा आईडी का लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपको फॉलो बैक चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं फॉलो बैक दे दूँगा। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया उसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेना है, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाना है। उसके बाद गाइस हमारा जो फर्स्ट वाला वीडियो इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद गाइस हमारा जो सेकंड वाला वीडियो इसमें हमें चले जाना है और यहाँ में नीचे में जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन शो हो रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और इसमें हमें GTool को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इस इफेक्ट्स का यूज़ हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पार्ट में यूज़ कर लेना है, तो इसको यहाँ से कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और उसके बाद गाइस हमें फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें हमें जीटा ड्रोन को यूज़ कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस इसको भी हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद इसके हमें जस्ट बगल में जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें व्हाइट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है इसमें हमें कोई इफेक्ट्स यूज़ नहीं करना है। उसके बाद गाइस हमें फिर से प्लस वाले आइकन में चले जाना है और इसमें हमें ब्लैक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें इस पार्ट को भी ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद गाइस हमें फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाना है और फिर से हमें इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें भी हमें जीटा डाउन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस इसको भी हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें फिर से इन दोनों के बीच में हमें जो प्लस वाले आइकन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें ब्लैक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस इसको हमें यहाँ से राइट कर लेना है। तो गाइस, हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो रेडी हो जाने के बाद हमें यहाँ ऊपर में जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप यहाँ से देख ही सकते हो। जैसे ही हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।